बेसिस पे पढ़ते हैं आशियान ग्रुप। आशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब साउथ ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर अगर साउथ ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, ये जैसे ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो एशिया के अंदर इस जगह पर जो ग्रुपिंग होगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, मैप के अंदर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, ये 10 कंट्रीज हैं, इनका ग्रुपिंग जो होगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आशियान कंट्री। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे इधर भारत है, ठीक है, बीच में आप यहां पर देखेंगे इस तरह से भारत है, भारत के साथ साथ फिर यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके बाद से एशिया के अंदर, भारत एशिया के अंदर था, एशिया के साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मतलब म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम आ गया, ठीक है, अगर हम बात करें कंबोडिया आ गया, सिंगापुर आ गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा का सारा एरिया है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कि एशिया के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर जो है दैट इज नोन एज साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन 10 कंट्रीज का ग्रुप जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। इंडिया के साथ भी हम देखेंगे इसका रिलेशन क्या है, हम इंडिया की एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी इसके अंदर पढ़ेंगे, हम लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस तरह से होती है वो हम इसके अंदर समझेंगे और डिटेल में एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस ग्रुपिंग की और हाउ दिस ग्रुपिंग आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेड परस्पेक्टिव एज वेल एज सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज हैं, इनका जो एसोसिएशन बना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये एसोसिएशन क्यों बना, सबसे पहले तो ये बात, ठीक है, क्यों बनने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कब बना, कब बना, 1967 के अंदर, और 1967 के अंदर देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर जो होगा, जो चल रहा है वो चल रहा है कोल्ड वार, कोल्ड वार का पीरियड चल रहा है जिसमें एक ग्रुपिंग क्या है, एक ग्रुपिंग है यूएसएसआर की, ठीक है, और एक ग्रुपिंग है यूएसए की। यूएसए का जो माइंडसेट है वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड माइंडसेट है, और यूएसएसआर का माइंडसेट जो है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, दैट इज कम्युनिज्म सोशलिज्म, इस तरह की आइडियोलॉजी यहां पर फेवर कर रही है। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से मिलती मिलती आइडियोलॉजी जो है वो चाइना की भी है और हम देखेंगे कि यूएसएसआर का वन ऑफ द गुड फ्रेंड इज इंडिया, इंडिया का, वैसे तो इंडिया नॉन अलाइन कंट्री था पर इंडिया जो है दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स द यूएसएसआर, है ना, हमको पता है कि शुरू से ही यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छे से इंक्लिनेशन था इंडिया का और यूएसएसआर ने कई बार हेल्प भी करी है भारत की पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर, हेल्प भी करी गई, राइट, जैसे हमने देखा था कि भाई 1971 वार के अंदर भी यूएसएसआर ने हमारी हेल्प करी तो हम यूएसएसआर की तरफ इंक्लाइन थे। अच्छा, ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, ये पहले अलग अलग, ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं ये आपस में सोच रही थी कि भाई देखो ये कंट्रीज आपस में सोच रही, जब एसोसिएशन बना नहीं है ना 1967 के आसपास, ये सोच रही कि यार हम है ना छोटी मोटी कंट्रीज हैं, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, और हमारे अगर सर के ऊपर देखेंगे तो हमारे सर के ऊपर चाइना बैठा है, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है, फिर हम देखें यूएसएसआर बैठा है उधर और यूएसएसआर का एक दोस्त है इंडिया और हमारे बगल में जो है वो इंडिया बैठा है, समझ में आ रहा है, बगल में इंडिया बैठा है, सर पे चाइना बैठा है और हम जो है ना, हम इनका जो माइंडसेट था ना वो था यूएसएसआर, यूएसए वाला माइंडसेट, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे अलग अलग रहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग रहेंगे तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, चाइना जैसी बड़ी कंट्री, यूएसएसआर जैसा बड़ा कंट्री, ये हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे, ये हमको कम्युनिस्ट बना देंगे, समझ में आ रहा है। तो 1967 के आसपास इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को एक एसोसिएशन बनानी पड़ेगी जिससे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रोलिफरेट ना हो हमारी कंट्रीज के अंदर, वो हमारे ऊपर थोपी ना जाए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरह से एक ग्रुप के अंदर रहना पड़ेगा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, हम जो लोग हैं वो यूएसए की तरफ देखते हैं, समझ में आ रहा है कि यूएसए एक अच्छा हमारे लिए क्या है, अल्टरनेटिव है, राइट, अगर हमको यूएसए और यूएसएसआर में चूज करना पड़ेगा वी विल चूज यूएसए, बट हमको यहां पर ये देखना होगा कि अगर हम अलग अलग रहे तो भाई ऊपर सर पे कम्युनिस्ट कंट्री बैठा है, बगल में कम्युनिस्ट कंट्री का दोस्त बैठा है, ठीक है, इंडिया, और उसके अंदर पॉलिसी तो सोशलिज्म वाली चल रही है, ये सब मिलकर हमको भी सोशलिज्म और कम्युनिज्म सिखा देंगे, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमारे अंदर प्रोलिफरेट ना करे, इसलिए इन सब नेशंस ने सोचा
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनिटी के अंदर रहना चाहिए, हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, और इसीलिए ये ग्रुप जो है 1967 में बना। देखिए ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1967 में क्यों बना, तो आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, कोल्ड वार का इफेक्ट आने लगा, तो इन कंट्रीज के अंदर डर बढ़ने लगा, भय होने लगा इन कंट्रीज को कि कहीं ये कंट्रीज जो है हमारे ये करें कि कहीं हमारे अंदर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी प्रोलिफरेट ना कर दे जबरदस्ती, इंडिया और चाइना कहीं जबरदस्ती हमको कम्युनिस्ट ना बना दे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए, हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए और हम अपने राइट्स को है ना सिक्योर करके, अलग अलग रहे ना तो कोई भी कभी भी भटका के ले जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, तो ये हुआ, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग प्रोलिफरेशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना। देयरफॉर दिस रीजन कॉल्ड द सैटेलाइट ग्रुप ऑफ द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का एक तरह से इसको सैटेलाइट ग्रुप भी बोलते हैं आशियान को। तो आशियान वाले क्या चाहते हैं, आशियान वाले ये चाहते हैं कि हम एक ग्रुप बनाकर रहे, ये 10 नेशंस जो हैं ये चाहते हैं कि हम एक ग्रुप बनाकर रहे जिससे कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक तरह से अपनी जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी उसको आराम से प्रोलिफरेट करें, जबकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कोई हम पे थोपे नहीं, तो हम एक करण करके रखना पड़ेगा अपन का। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन अदर ऑब्जेक्टिव जो है वो है ये एसिलेट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल कोऑपरेशन हो, ये सब चीजें तो है ना, ये सब चीजें सिर्फ कहने की होती है। बात इसलिए तो वही आ रही थी कि भाई कहीं ये लोग हमारे ऊपर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं टिका दे, ठीक है, हमको कम्युनिस्ट ना बना दे। तो हम तो क्या है, हम तो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं और ये हमको कम्युनिस्ट ना बनाए। इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आया, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर ये ग्रुप इस तरह से बना है तो ये बताओ कि कोल्ड वार के टाइम पर इसका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, जल्दी से बताओ। खराब रहेगा, खराब रहेगा, ऑब्वियसली कोल्ड वार के टाइम पर इसका रिलेशन जो होगा वो खराब रहेगा। और इंडिया जो है इतने बड़े ग्रुप से कोई सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनल वेज के अंदर एक तरह से यहां पर कोई रिलेशनशिप बना नहीं पाया पूरे कोल्ड वार के टाइम पर, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि कोल्ड वार के टाइम पर इंडिया इज अलाइंड टुवर्ड्स द यूएसएसआर और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी। तो देखिए कि अगर हम देखें ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वार इंडिया एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट बट इट इज इट्स पॉलिसीज वर मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, देयरफॉर इंडिया नेवर ट्राइड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद दिस नेशन और दिस नेशन नेवर ट्राइड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद इंडिया। तो हमारा इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा कब तक, जब तक कोल्ड वार चलेगा। और इतना एक इंपॉर्टेंट जो एक एरिया होगा एशिया के अंदर रखे, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से दूरी बनाकर रखेंगे और ये लोग भी हमसे दूरी बनाकर रखेंगे। इंडिया विल नेवर ट्राई टू एस्टेब्लिश ए गुड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्योंकि इंडिया को अगर लगता था कि अगर हम यहां से रिलेशन अच्छा बनाएंगे तो हो सकता है यूएसएसआर हमारा नाराज हो जाए। यूएसएसआर चाहता था कि इनके साथ रिलेशन बनाओ तो ऑन दैट ग्राउंड कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर ले सर नरक। तो इंडिया ने भी दूरी रखी उन लोगों ने, ये लोग तो पहले से भयभीत है, ये लोग तो पहले से फियरफुल है कि भाई इंडिया एक दिन हमें कम्युनिस्ट बना देगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही कोल्ड वार खत्म होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है 1991 के अंदर, समझ में आ रहा है। और 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इनका जो डर है साइकोलॉजिकल फियर वो खत्म हो जाता है कि अब यूएसएसआर तो बचा नहीं है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कोई हमारे ऊपर प्रोपगेट नहीं कर सकता, और इंडिया भी रिलैक्स हो जाता है, इंडिया को भी लगता है कि हाँ भाई यार अब यूएसएसआर बचा नहीं है तो इन लोगों को भी, ये लोग भी क्या है, हमको कोई जरूरी नहीं कि इनके ऊपर आइडियोलॉजी हम थोपे, ठीक है, जो पहले यूएसएसआर हमको प्रेशराइज करता था। और इस टाइम पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे अपनी, दैट इज नोन एज लुक ईस्ट पॉलिसी। अब एक बात ध्यान रखें, देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं होती, ठीक है, ईस्ट तो पहले भी था साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पर 1991 में ही क्यों ये बनी, समझ में आ रहा है, 1991 के अंदर ही ये क्यों बनेगी, बिकॉज वाई, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो पहले हमसे फियर साइकोसिस है उनके दिमाग के अंदर, उनको लग रहा है कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रोलिफरेट ना कर दे इंडिया हमारे अंदर, प्लस हमें भी उनसे दूरी बना के रखनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जब नहीं रहा तो हमने कहा कि भैया आप कहीं के गिले और कहीं के शिकवे, चलो हम एक पॉलिसी स्टार्ट करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है
इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इस रीजन में बहुत दिनों से देखा नहीं है, आजादी के बाद से देखा ही नहीं है कि इस रीजन का इतना सारा पोटेंशियल है, इससे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, इससे भी हम सिक्योरिटी कंसर्न देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को भी हम देख लेंगे, जब ईस्ट की तरफ देखेंगे तो। लुक ईस्ट पॉलिसी, पीवी नरसिम्हा राव इन 1991 स्टार्टेड दिस पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो कोई आपसे पूछे भाई, या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी बताओ 1991 में ही क्यों हुई? बिकॉज 1990 के अंदर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था और 1991 तक रहता रहता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है कंप्लीट। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जब हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आसियान कंट्री की तरफ देखते हैं कि भाई अब देखो, अब हमारा तुम्हारा कोई यहाँ पर क्या है, कोई हमारा तुम्हारा कोई राइवलरी नहीं है, ठीक है, अब हम कोई तुम्हारे ऊपर थोपने वाले भी नहीं है, ठीक है, अब कुछ रहा ही नहीं है, है ना, कोल्ड वार रहा ही नहीं है, तो आप क्या करें, आप लोग हमसे अच्छा रिलेशन बनाए, हम आपसे अच्छा रिलेशन बनाते हैं, हम आपकी तरफ देखेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। यस अभिषेक, वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज अभिषेक। सर 1991 का एक रीजन तो ये भी हो सकता है ना कि हमने भी तो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की और कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लग गए थे, हम शुरुआत कर दी। मेजर रीजन जो होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब ये रीजन लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम सब जगह जाने की कोशिश करें। पर आपको पता है एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग अभिषेक, एलपीजी रिफॉर्म्स जो है ना, द रीजन फॉर द एलपीजी रिफॉर्म इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कैसे, थोड़ा सोचना इसके बारे में ना, लास्ट में बताते हैं आपको ना, एक रीजन मतलब तुम्हारा कहना भी सही है, तुम्हारा कहना सही है, मैंने तुमको बस एक क्योंकि याद आ गया तो एक पॉइंट बताया। सर ये हो सकता है कि आईएमएफ वगैरह से लोन के चक्कर में नहीं, वो बताएंगे अभी लास्ट में बताएंगे ना, अभी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वन ऑफ द रीजन फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स, कि एलपीजी रिफॉर्म्स भी 1991 में ही क्यों हुए, इसका रीजन भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के अंदर ही छुपा हुआ है, राइट। हमारा मेन मेन क्या है, देखिए मेन ये समझिए अपन को कि हमारी जो कंट्री है वो रिलेशन ही एस्टेब्लिश, चलो इकोनॉमिक रिलेशन छोड़ो, कोई पॉलिटिकल रिलेशन भी तो नहीं था इस साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, इतना बड़ा ग्रुपिंग है, एक बड़ा ग्रुप बना हुआ है, उससे हमारा कोई पॉलिटिकल रिलेशन ही नहीं। इकोनॉमिक रिलेशन तो ठीक है, चलो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बट आप कह रहे हैं कि इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा, कोई अच्छा रिलेशन ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जाएंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, और कांग्रेस के अंदर भी इनका कोई ओहदा ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, उनसे उनके खुद के लीडर से भी लड़ाई रहती, पर फिर भी उन्होंने बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम करे हैं जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा सुधार हुए, लंबे समय तक सुधार हुए। कभी बात करेंगे इनके बारे में तब आपको बता देंगे। पीवी नरसिम्हा राव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए क्लोज रिलेशन विद आसियान नेशन, विद दिस इंटेंशन ही एडवोकेटेड ए न्यू पॉलिसी नोन एज लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये बात समझना कि मैं जब आपको फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रिंसिपल्स है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, और उन प्रिंसिपल्स में मैंने आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डिस्कस करा था एक, और एक करा था मैंने पंचशील अग्रीमेंट। फिर मैंने कहा था कि और भी प्रिंसिपल्स हैं पर ये आगे चलकर पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल इज लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है ये हम इसके अंदर देखते हैं। वन ऑफ द पॉलिसी है ना, पॉलिसी के अंदर डालेंगे इसको, प्रिंसिपल ना डाल के पॉलिसी के अंदर डालेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी नरसिम्हा राव के टाइम पे थी, अब जो है वो पॉलिसी जो है वो बन गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। तो हम ये भी देखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव से हम जो पहुंचे एक्ट ईस्ट, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रणेता है, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी के, उससे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर कैसे पहुंचे, और लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अंतर क्या है, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारा ये देखेंगे कि इन नेशन से हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं था, कोई इकोनॉमिक रिलेशन भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी अलायंसेस भी नहीं थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर हम कह सके कि इन लोगों से हमारा अच्छा रिलेशन है बिफोर 1991। रीजन वाज दिस वन, बिकॉज दिस कंट्री आर हैविंग द फियर साइकोसिस दैट इंडिया कैन प्रोलिफरेट कम्युनिज्म इन दिस कंट्रीज। वेल इंडिया इज ऑल्सो नॉट एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन बिकॉज इंडिया वॉज स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड द यूएसएसआर एंड इंडिया बिलीव दैट यूएसएसआर ऑलवेज यूएसएसआर विल नेवर ever want India to establish a good relation with Southeast Asian nation, कि इनको तो ऐसे रहने दो, अलग ही रहने दो, ये हमारी आइडियोलॉजी के नहीं, इनको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वो प्रेशर हटता है, यूएसएसआर का प्रेशर हटता है ऊपर से, तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाते हैं। एक पॉलिसी का नाम देना इसलिए जरूरी था जिससे कि अब इन लोगों को लग जाए कि अब हम तुम्हारी साइड आ रहे हैं।